लोग पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा की जो बुक है उसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसके सारे भी सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, नेचर और उसके नियमों को पालन करने को हम फिजिक्स कहते हैं, उसके अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा, जैसे जानना होगा छोटे छोटे कीवर्ड हैं, यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है? बेसिकली यूनिट्स से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जिसे हम किसी दो मेजरमेंट को कंपेयर कर सके, तुलना कर सके, तो उसके लिए फिजिक्स में यूनिट्स बनाया गया। जैसे मास का यूनिट्स किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट्स हैं। अब इन सारे यूनिट्स को दो तरह से यूनिट्स बनाया गया है। एक जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल्स यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, वो यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, और उसी से दूसरे यूनिट डिराइव किए जाते हैं। डिराइव यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही बनते हैं, जैसे लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ का फंडामेंटल मीटर है, ठीक है। अब एरिया जो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से बनता है वो एक तरह से डिराइव यूनिट है। कुछ हम लोग फंडामेंटल यूनिट के बारे में जानते हैं, एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स।